वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल द कैफे एक्सप्लोरर। सो ये चैनल पे काफ़ी टाइम के बाद व्लॉग आ रहा है, एंड व्लॉग इसलिए अभी आया है बिकॉज बहुत एक एक्साइटिंग न्यूज़ आप लोग को बतानी है, बिकॉज मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ एंड आई होप सो कि आप लोग भी एक्साइटेड होगी सुनने के लिए। तो मैं आप लोग को ज़्यादा बोर नहीं करूँगी, आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करूँगी, क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटमेंट आपको होल्ड रखना ही पड़ेगा, बिकॉज ये एक्साइटमेंट ना बहुत ज़्यादा है और बहुत खुशी मिल रही है, बिकॉज इस साल पर हम अभी कहीं निकलने वाले हैं। तो अभी बज रहे हैं 7 और आज है आपका 2 अप्रैल। सो हम अभी निकल रहे हैं कहीं और बस ट्रैवल स्टार्ट होने वाला है। यस गाइस, इस व्लॉग इस चैनल पे व्लॉग आने वाला है, ट्रैवल व्लॉग। सो आप देखो और स्टे ट्यून रहो कि हम कहाँ जा रहे हैं। आपको ज़्यादा बोर नहीं करूँगी और ज़्यादा सस्पेंस भी नहीं रखूँगी, थोड़ा देर तो वेट करिए और अभी आपको पता चल जाएगा कि हम जा कहाँ रहे हैं। तो एक्साइटमेंट तो आपको मेरे चेहरे से पता चल गया ही होगा। इधर हो गई हमारी पैकिंग। सो ये 3 बैग्स पैक हो गए हैं, मेरे 2 बैग और मेरे हस्बैंड के 1 बैग। वेट हो रही है कि बस हम कब निकले यहाँ से और बस हम मस्ती करें, बिकॉज जनवरी 2024 में हमारा पहला ट्रैवल शुरू होने वाला है। बहुत बहुत टाइम लग गया यार ट्रैवल लोग करने में, तो बस थैंक्स टू गॉड कि ट्रैवल हम लोग कर रहे हैं सब मिलकर साथ में, एंड आई होप बहुत ही मज़ा होने वाला है। तो जी हम रेडी हो गए हैं निकलने के लिए, बजे है 9:45, तैयारी हो चुकी है, तो बस अभी हम निकलते हैं और अभी भी थोड़ा सस्पेंस रखने दो मुझे, उसके बाद बताते हो कि हम जा कहाँ रहे हैं। आप लोगों को तो पता ही चल गया कि ट्रैवल व्लॉग आने वाला है, तो थोड़ा सा इंतज़ार। तो जी हम निकल पड़े थे घर से अपनी मंजिल की ओर, तो हम सब जा रहे थे बनारस काशी विश्वनाथ टेम्पल। तो हम बैठ गए थे गाड़ी में और हमने बाई रोड का सफ़र तय किया है और बज रहे थे आपके 12। वेनसडे जीजू है हमारे साथ, वो ड्राइव करके लेके जा रहे थे हम सबको, वो भी अपना व्लॉग बना रहे थे साथ साथ और मैं भी इधर शूट कर रही थी। और मैंने सोचा कि मैं अभी जस्ट वॉइस ओवर करूँगी, साथ साथ आप लोग को दिखाती रहूँगी कि हमने कैसे अपनी ये रोड ट्रिप इंजॉय करी है। तो हम निकल पड़े थे रात ही कोई, तो कुछ ही टाइम के बाद पहला टोल हमने क्रॉस किया। सो यहाँ पे मेरे जीजू व्लॉग बना रहे थे अपने एंड से, एंड थोड़ी देर के बाद ही हमने सोचा कि हम कहीं पे रुक जाते हैं। सो गाइस हम यहाँ आए हैं हिंदुस्तान ढाबा, पहली बार थोड़ा गाड़ी से नीचे उतरे, जीजू वहाँ व्लॉग बना रहे, ये यहाँ खड़े हैं और ये हमारी गाड़ी और हम यहाँ सारे पंजाबी ढाबा। मुझे रास्ता नहीं पता, तो ये कौन सा रास्ता है ये थोड़ा बता दो इधर से। कौन सा रास्ता है? सिंगूर, सिंगूर पहुंचे। जो भी है समझ लेना खुद ही। तो हम वहाँ से निराश होके निकल आए और थोड़ी दूर के बाद ही टोल फिर से मिला हमें, तो वहाँ चाय अवेलेबल नहीं थी, तो हमने सोचा कि कहीं और आगे जाके रुक के हम चाय पियेंगे और साथ में कुछ मंचिंग कर लेंगे। सो ये दूसरा टोल भी क्रॉस किया हमने और रोड्स काफ़ी अच्छी थी, क्लियर रोड और काफ़ी बड़ी रोड देख सकते हो ना, रोड्स कितनी अच्छी स्मूथ ड्राइविंग हो रही थी अच्छे से। हम एक जगह रुक गए थे, यहाँ पे मिल रहा था लैंगचा और मूढ़ी, बोलते कि यहाँ की मूढ़ी बहुत ही अच्छी है। यहाँ देखो एक बड़ा ही सीताभोग, 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 ये तो नॉर्मल स्कूल है, ये है लैंगचा, ये शक्तिगढ़ का फेमस है। तो हम सब सारे इंजॉय कर रहे थे, रात के बज रहे थे शायद 2 और हम खा रहे थे मूढ़ी, वो भी शक्तिगढ़ में, इसने मूढ़ी बहुत ही अच्छी बनाई थी। इंजॉय कर रहे थे, रात का टाइम था, हम सब साथ में मिलकर एक ट्रिप पे गए हैं, रोड ट्रिप, तो बहुत ही मज़ा आता है।
पिक्चर क्लिक्स करना इंस्टाग्राम के लिए रील बना रहे थे कि हम रात को इधर बैठ के खा रहे हैं। घर से खा के तो निकले थे बट भूख लग जाती है और रोड ट्रिप पे चाय पीना तो अलग ही है। तो मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम के लिए भी स्टोरी डाल रही थी कि इसका शूट करी थी और बस हम यहाँ से निकल के आगे अपने सफ़र पे जा रहे थे जो मेरा आगे का डेस्टिनेशन है। और थोड़ी बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग तो करनी पड़ती है और गाने सुनते सुनते इंजॉय करते करते रात का सफ़र कुछ ऐसा ही गुजरा। तो अब भैया अब गाड़ी चला रहे मेरे और बस मैं कवर अप कर रही थी क्योंकि मुझे आगे बैठने की जगह नहीं मिली तो मैं पीछे से जितना हो सके मैं शूट कर रही थी। तो ये अब आया हमारा थर्ड टोल, तो फास्टैग लगाई है गाड़ी में तो आराम से हम टोल भी क्रॉस कर रहे थे। तो हम क्रॉस कर रहे थे दुर्गापुर और दुर्गापुर तो आपको पता ही है केमिकल फैक्ट्रीज है काफ़ी बड़ी बड़ी सी। सो रात की केमिकल फैक्ट्री, रात को धुआं ऐसे निकल रहा था और ये बाहर का वेदर भी बहुत ही अच्छा था। और जैसे हमने वेस्ट बंगाल में पता ही था कितनी गर्मी है बट रात का वेदर बहुत ही अच्छा था। बाई रोड जा रहे थे तो इतनी गर्मी मिलने लगी, ऑफकोर्स ए सी तो था ही गाड़ी में बट ऐसे में अगर बताऊं कि वेदर रात का यूजुअली अच्छा ही था तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। सो रोड्स आप देख सकते हो कितनी ही सही रोड बनाई है, एकदम स्मूथ और खाली रोड थी, हमें कोई जाम नहीं मिला रास्ते में। तो कुछ कुछ यहाँ रोड्स जो भी मैं कवर कर सकती थी मैंने कवर किया है थोड़ा बहुत। और जैसे खाली रोड पे गाड़ी चलाओ वो भी स्मूथ और अच्छी रोड हो ना तो बहुत ही मज़ा आता है। जो गाड़ी चलाते हैं उनको भी मज़ा आता है और जो पीछे बैठते हैं उनको भी आनंद आता है बहुत। तो सामने रोड की मैं शूट कर रही थी वीडियो तो देख सकते हो डबल लेन है, गाड़ी यहाँ से जा रही है और वहाँ से भी जा रही है और इंस्टाग्राम की वीडियो भी शूट हो रही है। तो दुर्गापुर हमारा क्रॉस हो गया वो भी रात के 4 बजे, मतलब सुबह के 4, रात के नहीं, सुबह के 4 बजे दुर्गापुर हमारा क्रॉस। तो अब हम झारखंड एंटर कर चुके थे और बाहर देख सकते हो कि चांद कितना ही सुंदर सा निकला है और ये है झारखंड की गलियां। बाई रोड, रोड भी बहुत ही सही, कुछ ऐसा रोड में हमको इतने भी बम्पर्स नहीं मिले, रोड भी सही था। अंधेरा था उतना ज़्यादा शूट कर नहीं पाई। सो अब हम मिलती हूँ मैं सुबह और हम जियो के जो पेट्रोल पंप है वहाँ आए हैं। जियो का पेट्रोल पंप बहुत ही अच्छा है, इधर वॉशरूम्स भी बहुत ही अच्छे हैं, यूजली जिसको भी वॉशरूम्स अगर मतलब जिसको भी वॉशरूम आए तो जियो धनबाद वॉशरूम जा सकते हैं। तो सुबह होने वाली थी, देख सकते हो ना कैसे काले बादल पीछे हट रहे हैं और सुबह का भोर, सुबह का स्काई कितना ही सुंदर लगता है। ऐसे तो घर पे पता ही नहीं चलता इतना, सुबह सूरज निकले और ऑफिस के लिए भागो, बट ये सब रोड ट्रिप पे इतना अच्छे से कवर होता है। मैं तो पीछे बैक सीट में जाके थोड़ी देर सो गई थी, नींद आ रही थी इतना, मैं जैसे उठ रही हूँ मैं वीडियो शूट कर रही हूँ फिर मैं सो रही हूँ। और बस जिसको गाड़ी चला रहे वो गाड़ी अपना चला रहे और थोड़ी देर उठ रही हूँ फिर सो रही हूँ, फिर उठ रही हूँ फिर सो रही हूँ, वीडियो शूट कर रही हूँ। तो झारखंड का और झारखंड का जो रास्ता है ना उधर बहुत ही अच्छा व्यू है, तो व्यू को देखने के लिए वेट करिए पार्ट 2 का।